नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। दिन की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में निर्देश जारी कर दिए हैं और इसके अलावा कोचिंग संस्थाओं के संचालन की भी अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल कॉलेजों में नए सत्र की शुरुआत की तैयारियों की समीक्षा भी की और ऐसे में माध्यमिक विद्यालयों के लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन को बेहतर बताते हुए मुख्यमंत्री ने इसी तर्ज पर सभी शिक्षा संस्थानों के लिए दिशा निर्देश भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जूनियर हाई स्कूलों में 6 से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू कर दी जाए और इसके साथ ही स्थिति का आंकलन करते हुए 1 सितंबर से पढ़ाई भी शुरू की जा सकती है। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्राथमिक को लेकर छोड़कर सभी शिक्षा संस्थान 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस के दिन भी खुलेंगे। हालांकि पढ़ाई 16 अगस्त से शुरू होगी। वहीं माध्यमिक विद्यालय 2 पालियों में सुबह 8 से 12 बजे और दोपहर 12:30 से शाम 4:30 बजे तक खोले जाएंगे। बता दें, आधे विद्यार्थियों को पहली पाली में बुलाया जाएगा जबकि बाकी विद्यार्थियों को दूसरी पाली में बुलाया जाएगा। इसके साथ ही अब 6 से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं में दाखिला शुरू करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि विनय कुलकर्णी को साल 2016 में धारवाड़ में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। वहीं अब विनय कुलकर्णी को राहत देते हुए जस्टिस यूयू ललित और अजय रस्तोगी ने कहा है कि विनय कुलकर्णी को 3 दिनों के अंदर संबंधित निचली अदालत में पेश किया जाए और अदालत द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन उन्हें जमानत दी जा सकती है। हालांकि शीर्ष अदालत ने कुलकर्णी को धारवाड़ में प्रवेश करने और मामले की जाँच की प्रक्रिया में बाधा न डालने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि 26 वर्षीय जिला पंचायत के सदस्य योगेश गौड़ा गौदर की 15 जून 2016 को धारवाड़ के सपुर में उन्हीं के जिम में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मामले में सीबीआई ने कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था, जिन्हें अब जमानत मिल गई है। त्रिपुरा पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्राते बसु और राज्यसभा सांसद डोला सेन सहित 6 टीएमसी नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। बता दें, त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक वीएस यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि टीएमसी नेताओं के खिलाफ खोवाई पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्यों में बाधा डालने और उनसे दुर्व्यवहार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस प्रमुख ने मीडिया को बताया कि पुलिस अभी मामले की जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें तलब भी किया जाएगा। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी, ब्राते बसु और जोला सेन के अलावा जिन 3 अन्य नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, उनमें टीएमसी के मुख्य प्रवक्ता कुणाल घोष, संबुल भौमिक और त्रिपुरा के पूर्व मंत्री प्रकाश दास भी शामिल हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पिछले 5 दिनों में बता दें करीब 250 बच्चों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और ये आंकड़े बेंगलुरु महानगर पालिका की ओर से जारी किए गए हैं। बता दें, आंकड़े ऐसे समय पर जारी हुए हैं जब पड़ोसी राज्य केरल में भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इससे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं नगर निकाय के कोरोना बुलेटिन के मुताबिक 5 से 10 अगस्त के बीच 250 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं और इन सभी बच्चों की उम्र 19 साल के बीच बताई जा रही है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कब कितने बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।
तो बता दें बेंगलुरु में प्रतिदिन इस तरह सामने आए कोरोना संक्रमित मामले, 10 अगस्त की बात करें तो 9 साल तक के 18 बच्चे संक्रमित हुए, जबकि 10 से 19 साल के 27 लोग संक्रमित हुए। और साथ ही बता दें 9 अगस्त को ही बात करेंगे, तब 9 साल तक के 18 संक्रमित बच्चे पाए गए, जबकि 10 से 19 साल तक के बच्चे 24 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 8 अगस्त की बात कर लें तो 9 साल तक के 13 बच्चों में कोरोना का संक्रमण देखा गया, जबकि 10 से 19 साल तक के बच्चों में 25 में संक्रमण कोरोना का पाया गया है। वहीं 9 अगस्त की बात करें तो 9 साल तक के 32 बच्चे संक्रमित मिले, जबकि 10 से 19 साल के बच्चे 34 संख्या रही संक्रमितों की। यह आंकड़ा 9 अगस्त का बताया जा रहा है, हालांकि नगर निगम की तरफ से यह आंकड़ा जारी किया गया है, तो ऐसे में ये जानकारी दी जा रही है। वहीं 5 अगस्त की बात करें तो 9 साल तक के 21 बच्चे संक्रमित हुए थे, जबकि 10 साल से 19 साल तक के 38 बच्चों में कोरोना का संक्रमण मिला था। तो ये आंकड़े लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बेंगलुरु में प्रतिदिन इस तरह से मामले सामने आए हैं और कोरोना संक्रमित बच्चों के लगातार मामले जो हैं वो लगातार सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं ये आंकड़े, तो ऐसे भी बता दें 5 अगस्त तक का यह आंकड़ा था, 5 अगस्त से 10 अगस्त तक का। और ये आंकड़े बेंगलुरु में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों के अनुरूप हैं, और आंकड़ों के अनुसार जुलाई के आखिरी सप्ताह से लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं बता दें जुलाई के आखिरी सप्ताह से प्रतिदिन करीब 50 बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, तो ये आंकड़े बता दें नगर निगम की तरफ से जारी किए गए हैं। वहीं अनुमान भी लगाया गया है कि कोरोना की पिछली दोनों लहरों का ज्यादा प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ा था, लेकिन सीरो सर्वे के आंकड़े के अनुसार युवा बच्चे पिछली दोनों लहर में सबसे ज्यादा कोरोना में संक्रमित पाए गए थे। और एक बार फिर से जब कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है तो बच्चे एक बार फिर से सबसे ज्यादा संक्रमित होते नजर आ रहे हैं, इसीलिए ये आंकड़े जारी किए गए हैं। अफगानिस्तान में खूनी हिंसा कर रहे तालिबान पाकिस्तान की जोड़ी के खिलाफ दुनिया भर में ट्विटर पर आवाज उठाए जाने से पाकिस्तान भड़क उठा है। दरअसल पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने भारत और अफगानिस्तान पर फर्जी सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइद यूसुफ ने कहा है कि भारत से देश के खिलाफ सूचना युद्ध चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी एनएसए का ये बयान ऐसे समय पर आया जब ट्विटर पर सैंक्शन पाकिस्तान हैशटैग के साथ करीब 8,00,000 बार ट्वीट किए जा चुके हैं। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से चलाए जा रहे फर्जी सूचना अभियान पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि भारत की ओर से साल 2019 में भी पश्तून तहफूज मूवमेंट में समर्थन में सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया था। आपको बता दें कि सैंक्शन पाकिस्तान हैशटैग इस समय दुनिया भर में टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। ऐसे में मोइद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ लक्ष्य करके जानबूझकर और पूरी सतर्कता के साथ फर्जी सूचना का अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का स्रोत अफगानिस्तान और भारत है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार की सोशल मीडिया टीम और थिंक टैंक पाकिस्तान की छवि खराब करने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि अफगानिस्तान में 20 साल तक चले युद्ध में मिली असफलता के बाद भी अब पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तालिबान के लगातार किए जा रहे कब्जे के बीच अपना चेहरा बचाने के लिए पाकिस्तान पर ये आरोप लगाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी एनएसए ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि अफगान सरकार के उच्च स्तर के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर 8 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व बीजेपी प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें पटियाला हाउस कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अद्भव कुमार जैन ने अश्वनी उपाध्याय को 50,000 रुपए के मुचकले पर जमानत दी है। उन्होंने कहा है कि
पेश साक्ष्य और वीडियो से नहीं पता चला है कि आरोपी ने वहां उपस्थित लोगों को किसी भी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने को लेकर उकसाया था या उनके कहने पर किसी ने आपत्तिजनक नारेबाजी की थी। ऐसी संभावना नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा। अदालत ने कहा कि अभी इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन सिर्फ आशंका के आधार पर किसी के निजी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता है। इससे पहले अश्विनी उपाध्याय के वकील ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह एक दिन पहले ही मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात को लेकर पंजाब सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने विवादित तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता श्रेणी में लाने के लिए संशोधन की मांग की है। साथ ही पंजाब सरकार ने कहा है कि इस लंबे समय तक चलने वाले किसानों के आंदोलन की ओर इशारा करते हुए जिसमें 400 से ज्यादा किसानों और श्रमिकों की जान चली गई है। पंजाब के सीएम ने कहा कि इससे देश और राज्य की सुरक्षा और खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित पाकिस्तान विरोधी ताकतें किसानों के असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वहीं पीएम के साथ अपनी बैठक के दौरान पंजाब के सीएम ने कहा कि निरंतर आंदोलन न केवल पंजाब में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है, खासकर जब राजनीतिक दल और समूह कोई कड़ा कदम उठाते नहीं है। ऐसे में मंगलवार को अमित शाह से मुलाकात के दौरान अमरिंदर ने किसानों के लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के सामाजिक आर्थिक और सुरक्षा का हवाला देते हुए तीनों कानूनों को वापस लेने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि तत्काल सुनवाई के लिए मामलों का पीठ के समक्ष सीधे उल्लेख करने की बजाय शीर्ष अदालत के अधिकारियों के सामने ऐसा करने की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उनके कनिष्ठ सहयोगियों की तुलना में विशेष प्राथमिकता न दी जाए। प्रधान न्यायाधीश NV रमना, न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि हम वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विशेष प्राथमिकता देकर कनिष्ठ अधिवक्ताओं वकीलों को अवसरों से वंचित नहीं करना चाहते हैं। पीठ ने कहा कि ये प्रणाली इसलिए बनाई गई है ताकि सभी लोग रजिस्ट्रार के समक्ष मामले को रख सकें, और प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि यदि उल्लेख करने वाले अधिकारी द्वारा अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो वकील उनके समक्ष मामलों का उल्लेख कर सकते हैं। उन्होंने ये टिप्पणी उस समय की जब कोयला घोटाले से संबंधित एक जनहित याचिका के संबंध में NGO कॉमन कॉज की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले को पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध अधिकारियों को देने के बावजूद मामले महीनों तक ठंडे बस्ते में ही पड़े रहते हैं। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर निलंबित किए जाने के बीच कांग्रेस ने बुधवार देर रात दावा किया कि रणदीप सुरजेवाला समेत 5 वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। पार्टी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी SICC के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के सचेतक मणिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट भी निलंबित कर दिए गए हैं। बता दें इससे पहले ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड होने के दावे को खारिज करते हुए कहा था कि उनका अकाउंट ब्लॉक किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते दिल्ली में कथित बलात्कार और हत्या की शिकार 9 साल की बच्ची के परिवार के साथ तस्वीरें ट्वीट की थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने राहुल गांधी के ट्वीट का संज्ञान लिया और ट्विटर को नाबालिग पीड़िता की निजता का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस नेता के अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर यह कार्रवाई की गई है।
संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, पर कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतों के मामले पर दिल्ली सरकार और केंद्र का एक दूसरे पर वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर आंकड़े देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हमें कोई भी पत्र नहीं मिला है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 26 जुलाई को इस संबंध में दिल्ली सरकार को भेजे पत्र का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर साझा कर दिया। अब मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि आंकड़े देने के लिए केंद्र ने दिल्ली सरकार को महज 12 से 14 घंटे ही दिए थे। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया है, जिसमें यह कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की जानकारी मांगने वाला कोई पत्र उन्हें नहीं मिला है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में 26 जुलाई को भेजे गए पत्र को ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, माननीय सिसोदिया जी, 26 जुलाई को मेरे मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को जो मेल भेजा है ये रही उसकी कॉपी और अभी भी देर नहीं हुई है। 13 अगस्त तक आप डेटा भेज सकते हैं ताकि हम प्रश्न का उत्तर संसद को भेज सकें। अपने अधिकारियों से समीक्षा करके जरूरी डेटा जल्द से जल्द भिजवाने की कृपा करें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया है कि देश भर में मौजूदा कमजोर मॉनसून का असर 15 अगस्त तक यूं ही जारी रहेगा। हालांकि पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से और बिहार में 14 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहेगी। इसके बाद इन हिस्सों में भी बारिश कमजोर हो जाएगी। वहीं विभाग ने यह भी बताया कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र, मध्य भारत और प्रायद्वीपीय भारत के ज्यादातर हिस्सों समेत महाराष्ट्र और गुजरात में 15 अगस्त तक हल्की बारिश होती रहेगी। वहीं 16 अगस्त के बाद प्रायद्वीपीय भारत में बारिश तेज हो जाएगी और इसके साथ ही तमिलनाडु और केरल में अगले 5 दिनों तक छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश की संभावना है। साथ ही तमिलनाडु में 14 और केरल में 12 अगस्त तक कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उप हिमालय, बंगाल और सिक्किम में 14 अगस्त तक छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश जारी रह सकती है। इन राज्यों में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। ऐसे में असम और मेघालय में 13 अगस्त तक कहीं कहीं अत्यधिक बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगा से लगे बंगाल के हिस्सों में 14 अगस्त तक व्यापक और कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि बिहार में 12 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में हिमाचल में भी 15 अगस्त तक छुटपुट से लेकर व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में 14 और उत्तराखंड में 15 अगस्त तक कहीं कहीं बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सैनिक पति की मौत के बाद पत्नी ने भी जान दे दी है। दरअसल मायके में रह रही पत्नी का शव गुरुवार की सुबह साड़ी से फंदे पर से लटका मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। दरअसल कोतवाली देहात के गांव बिजोरी निवासी सैनिक अरविंद चौहान सेना में जवान थे और जो कश्मीर में तैनात भी थे। वहीं 6 अगस्त को उनका शव सेना के शिविर में लटका हुआ मिला। बताया गया कि अरविंद की पत्नी आरती से उनकी अनबन चल रही थी, इसी के चलते इन्होंने खुदकुशी कर ली। अब पति की मौत के 6 दिन बाद पत्नी आरती ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक अरविंद और आरती की शादी 2019 में हुई थी। बीते कुछ महीनों से दोनों के बीच अनबन चल रही थी और इससे आरती अपने मायके में रह रही थी और इसीलिए अरविंद चौहान का शव 10 अगस्त को कश्मीर से एटा लाया गया था। यहां गांव बिजोरी में अंतिम संस्कार किया गया और साथ ही उस दौरान बता दें आरती पति अरविंद के अंतिम दर्शन करने भी पहुंची थी, लेकिन परिवार वालों ने उसे अंतिम दर्शन नहीं करने दिए थे, जिससे वो भी आहत थी और ऐसे में शायद इसीलिए आरती ने ये कदम उठा लिया और खुद को फांसी के फंदे से लटका लिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बुधवार को एक भीषण लैंडस्लाइड में एक बस और कई अन्य वाहन मलबे की चपेट में आ गए।
बता दें जो बस हादसे का शिकार हुई है उस जानकारी मिल रही है कि उस बस में 40 से 45 लोग सवार थे। हादसा किन्नौर के रेकोंग पीओ शिमला हाईवे पर हुआ है और हादसे का शिकार हुई बस में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि अन्य 14 लोगों को रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं बता दें किन्नौर के SP साजू राम राणा के मुताबिक पुलिस को भावानगर थाना क्षेत्र के पास हाईवे पर लैंडस्लाइड की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस घटना की जानकारी के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राज्य पुलिस और होमगार्ड जवानों को यहां भेजा गया था। इसके अलावा राहत कार्यों के लिए विशेष टीमों को भी लगाया गया है और साथ ही राहत कार्य अभी तक भी जारी है। मथुरा के लक्ष्मीनगर में आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ठाकुर राजवीर सिंह जादौन मौके पर मौजूद रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में NCR अध्यक्ष और आगरा मंडल प्रभारी सुभाष चौधरी, NCR सचिव सुरेंद्र बाबा मटरू नगर भी मौजूद रहे। लखनऊ से मथुरा जाते समय बता दें प्रदेश अध्यक्ष का फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा में कार्यकर्ताओं और किसानों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं महापंचायत में मथुरा के अलावा आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस और मैनपुरी जिलों से भी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए थे। साथ ही महापंचायत का संयोजन आगरा मंडल अध्यक्ष गजेंद्र परिहार ने किया, वहीं इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव पंडित राजपाल शर्मा और संचालन ललित शर्मा ने किया है। आगामी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत होने जा रही है, उसकी तैयारी को लेकर के आगरा मंडल की समीक्षा बैठक की गई है। हर जनपद से आगरा मंडल के अंदर जो जनपद आते हैं वहाँ से हर पदाधिकारी यहाँ पे बुलाया गया। संदर्भ इस समय हिंदुस्तान में केवल एक है, किसान आंदोलन, 3 कानून वापसी और MSP पे कानून, इसके अलावा कोई संदर्भ नहीं है। और उसी संदर्भ की तैयारी में 5 सितंबर को हमारे मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने जा रही है, जिसमें हमारे आगे की रणनीति आंदोलन की क्या होगी वो पूरी घोषित की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा इस पर मंथन कर रहा है। तो 5 सितंबर महापंचायत मुजफ्फरनगर और दिल्ली में जो हमारा आंदोलन चल रहा है वो इसी तरह अनवरत मजबूती से चलता रहे, किसान रोटेशन में जाता रहे, अपना गृहस्थी भी देखता रहे, परिवार भी देखता रहे, खेती पाती भी देखता रहे और आंदोलन भी होता रहे। इन 3 चीज़ों में सामंजस्य बनाकर के हमें आंदोलन करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आंदोलन कब तक चलेगा। ये तो सरकार को तय करना है कि आंदोलन कब तक चलाना चाहती है। जब तक सरकार चाहेगी आंदोलन तब तक चलेगा। बिल वापसी और MSP पे कानून नहीं तो घर वापसी संभव नहीं। जाति आधारित जनगणना पर मांग लगातार तेज होती जा रही है। अब RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है। बता दें कि लालू के बेटे तेजस्वी यादव के साथ साथ बिहार के CM नीतीश कुमार भी जाति आधारित जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। लालू प्रसाद ने जाति आधारित जनगणना के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े, अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी जनगणना का बहिष्कार कर सकते हैं। लालू ने आगे लिखा कि जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्या आबादी का भला नहीं होता तो फिर जानवरों की जनगणना वाले आंकड़े का क्या हम अचार डालेंगे। सिर्फ बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग तेज हुई है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया था। बता दें अखिलेश और मायावती ने कहा था कि जनगणना में जाति आधारित आंकड़े केंद्र सरकार को जारी करने चाहिए। ऐसे में केंद्र में सरकार के सहयोगी अपना दल ने तो OBC की अलग जनगणना की बात कही थी, जिसका मायावती ने भी समर्थन किया था। बता दें 1931 तक जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए जाते थे और इसके बाद 1941 में जातिगत आंकड़ा एकत्रित किया गया था, लेकिन फिर भी उसे प्रकाशित नहीं किया गया। अब साल 2021 की जनगणना जो होगी वो देश की 16वीं जनगणना होगी। ये पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के साथ बातचीत में भाग लेंगे और ये कार्यक्रम आज दोपहर करीब 12:30 बजे आयोजित होना है। इस दौरान पीएम मोदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की उन्नति सफलता समेत छोटी जोत वाली खेती से पैदा होने वाली आजीविका पर भी एक किताब भी जारी करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने बीते दिन इस कार्यक्रम को लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि देश में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी ज्यादा है। मैं कल आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा और कल इस कार्यक्रम में मुझे इस समूह की सदस्यों से बात करने का मौका मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस मौके पर सहायता राशि भी जारी की जाएगी जिससे इन समूहों के काम को और तेजी मिल सकेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।